Hello dear students, we were on the vertebrata. Vertebrata पे थे हम और vertebrata में हम किसको पढ़ चुके थे, हम पिसीस, amphibia and reptiles को पढ़ चुके थे. अब हम बात करते हैं avies and mammals. Avies और mammals जो हैं वो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स. और इसके पहले जो थे वो थे कैसे थे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं वो पोइक्योथर्म्स होते हैं. पोइक्योथर्म्स का मतलब भी क्या है कि वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते. उनके पास वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को बरोइंग करके, लाइक बरो में रह के, या अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से करके ऐसे कुछ बॉडी में एक्सटर्नली चेंज कर लेंगे जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं. लेकिन इंटरनली उनका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. अब हम बात करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जिसमें कि एवीज आते हैं और हम लोग मैमल्स आते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एवीज आर प्रेजेंस ऑफ द फीदर्स. अब आप बर्ड्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आराम से जो आउटर फीचर्स हैं इनके वो देखकर ही आप इनको बारे में बहुत कुछ बता सकते हो. तो सबसे पहले तो इनके ऊपर फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं. उसके बाद कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो जनरली, सभी बर्ड्स कैसे होते हैं, उड़ने वाले होते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लाइटलेस होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया. दे पजेस बीक, इनके चोंच होती है. फोर लिम्ब जो होते हैं इनके आपने देखा होगा, दो ही पैर आपको दिखाई देते हैं जिसके ऊपर ये खड़े होते हैं. इनके दो ही पैर होते हैं, पैर तो इनके फोर ही होते हैं, लेकिन दो जो आगे वाले पैर थे जिसको कि फोर लिम्ब बोलते हैं, आगे वाले पैरों को फोर लिम्ब और पीछे वाले पैरों को हिंड लिम्ब. तो हिंड लिम्ब तो है इनके पास, लेकिन फोर लिम्ब जो हैं वो किस में चेंज हो चुके हैं, फीदर्स में चेंज हो गए, पंखों में चेंज हो गए, विंग्स में चेंज हो गए. अच्छा, विंग्स और फीदर्स में क्या अंतर है? विंग्स जो होते हैं वो बड़े वाले जो ऐसे खुल जाते हैं ना, वो क्या है, विंग्स हैं. और उनके ऊपर जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या है, फीदर्स हैं. द हिंड लिम्ब जनरली हैव द स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग. जो इनके हिंड लिम्ब्स होते हैं वो वॉक करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, क्लास्पिंग करने के लिए, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए और ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, इन सब के लिए वो काम में आते हैं. स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. इनके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती है. ऑयल ग्लैंड्स होगी तो इनके जो पंख है ना वो चिपक जाएंगे, विंग्स, तो ये उड़ने में इनको दिक्कत होगी. तो इसलिए इनके बॉडी के ऊपर ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती है, सिर्फ टेल के ऊपर इनके पास ऑयल ग्लैंड्स होती हैं. एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड बोनी. एंड एंडोस्केलेटन मतलब अंदर प्रॉपर हड्डियाँ होती हैं. एंड लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटी. लेकिन इनकी जो बोन्स होती है वो अंदर से खाली होती है. खाली है तो खाली तो नहीं है, उसमें अंदर भरी क्या है, हवा भरी होती है. और हवा जो है वो इनको हल्का बनाती है ताकि ये आसानी से उड़ पाए, एयर कैविटीज बनाती है. न्यूमेटिक बोलते हैं उसको. द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द बर्ड्स एडिशनल चैम्बर एंड क्रोप एंड गिजार्ड. उसके बाद इनके पास क्रॉप एंड गिजार्ड होती है, एडिशनल चैम्बर होते हैं डाइजेशन के लिए. हार्ट इज़ कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड. इनके पास इनका हार्ट और हमारा हार्ट बिल्कुल सेम होता है, फोर चैम्बर्ड होता है. इसके पहले जो ग्रुप थे उनके अंदर थ्री चैम्बर्ड हार्ट था एक्सेप्ट क्रोकोडाइल. लेकिन हमारे अंदर और बर्ड्स के अंदर दोनों के अंदर जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड है. दे आर वार्म ब्लडेड. वार्म ब्लडेड है ये मतलब अपना जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर पाते हैं. इसको बोलते हैं होम्योथर्मस एनिमल्स. दे आर एबल टू मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है, उतना ही रहता है जितना हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है. तो ये चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, इतना ही रहेगा. अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हम बोलते हैं उसको फीवर हो रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. जबकि जो कोल्ड ब्लडेड है उनका टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, ठीक है. अब आता है रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स. लंग्स होते हैं इनके अंदर, एयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. मतलब हवा जो होती है वो एयर सैक्स में भरती है. एयर सैक्स क्या है, इस तरीके से एयर पाउचेज होते हैं जिसके अंदर जो सांस लेते हैं वो हवा भर जाती है. सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन. दे आर ओवीपैरस, अंडे देते हैं ये. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज, लार्वा नहीं बनता है. जितने भी बर्ड्स हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं. उसके बाद आता है हमारे पास मैमिलिया.
दे आर फाउंड इन अ वराइटी ऑफ हैबिटेट्स, जो मैमलिया है जिसमें कि हम आते हैं, ठीक है, ये हर जगह मिलेंगे आपको, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है इस अर्थ पर कि यहीं पर ही मैमलिया मिलेंगे, हर जगह पर मिलेंगे, ये पोलर रीजन में भी मिलेंगे आपको, तो ये डिज़र्ट में भी मिलेंगे, माउंटेन्स में भी मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, ग्रास लैंड पर भी मिलेंगे, प्लेन्स पर भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे आपको ये. सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर. कुछ इस मैमल्स में कुछ तो पानी के अंदर भी रहते हैं जबकि कुछ उड़ते भी हैं. द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मिल्क. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा क्या है कि हमारे अंदर मैमिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मैमिलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि मिल्क सिक्रीट करती है अपने बच्चे को नरिश करने के लिए. मिल्क सिक्रीट करती है मदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मैमिलियन. अब आता है हमारे पास दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब. हमारे पास टू पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, टू पेयर्स, दो तो ये रहे और दो हमारे पैर जो हैं वो हिंड लिम्ब हैं, जबकि हमारे हाथ जो है वो क्या हैं, फोर लिम्ब हैं. अडेप्टेड क्यों हैं ये कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होते हैं, हमें लिम्ब्स चाहिए होते हैं, या फिर किसी को भी इन सब चीज़ों के लिए लिम्ब्स चाहिए होते हैं. द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर. मैमल्स जो होते हैं, अब तक हमने पढ़ा था कि स्केल्स, जो स्किन है उसके ऊपर फीडर्स हैं या फिर स्केल्स हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर जो स्किन के ऊपर ना तो हेयर है ना फीडर है क्या, नहीं सॉरी, ना तो स्केल्स हैं ना है ना फीडर्स हैं, बस क्या प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है, बाल होते हैं. एक्सटर्नल ईयर इज पिन्ना, ये पिन्ना, दिस इज़ पिन्ना, ठीक है, कान, जो गाय के आपने देखा होगा वो उड़ाती रहती है मच्छर मक्खी को, तो वो पिन्ना है, ठीक है, तो हमारे अंदर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, हमारे टीथ अलग है, आगे के दांत अलग कहलाते हैं, इंसाइजर, फिर केनाइंस, मोलर, प्री मोलर, ये सब हमारे अलग अलग दांत हैं. और जॉस तो प्रेजेंट होते ही हैं, हम ग्रेथोस्टोमेटा में आते हैं. हमारा जो हार्ट होता है दैट इज़ फोर चैम्बर्ड एंड दे आर होम्योथर्मस, मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट होता है हमेशा. रेस्पिरेशन इज़ बाय लंग्स, लंग्स होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए. सेक्सेस डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल मेल और फीमेल अलग नज़र आते हैं. फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, दे आर वीविपेरस, इसके पहले जो बर्ड्स थे दे आर ओवीपेरस, सिर्फ यहाँ पर ही कौन आया है, मैमल्स जो होते हैं वो वीविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, दे डोंट ले एग्स, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, दे आर वीविपेरस एंड विथ फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल ओवीपेरस जो कि अंडे देते हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस जो है वो है तो मैमल है लेकिन अंडे देता है, ठीक है, तो ये एक कनेक्टिंग लिंक है ओवीपेरस एंड वीविपेरस में. वीविपेरस जो है वो है मैक्रोपस, कैंगारू और सारी वीविपेरस तो सब है ही जो बच्चे देते हैं, बच्चे मतलब दे गिव बर्थ. द स्मॉलेस्ट द स्लाइट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑल फाइला अंडर द एनिमल किंगडम इज कंपेरिजिवली गिवन इन द टेबल दिस. यहाँ पर देखो मेन जो हमारे पास क्लासिफिकेशन का बेस था वो क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सिलोम कैसा है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी कैसा है, और डिस्टिंक्टिव फीचर और कुछ अलग फीचर्स हो तो यहाँ पर ये अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज, एस्के हेलमिंथीज, एनेडिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिको कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, कंपैरेटिवली स्टडी दी हुई है, तो आप इसको पढ़ें, वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की है इस चैप्टर में, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. इसके बाद हम कुछ नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, टिल देन टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है यू हैव टू नोट इट डाउन. व्हेन वी विल मीट, व्हेन स्कूल विल रीओपन, डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर.